छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौ वंशों की दुर्दशा पर आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौठानों में गायों के साथ हो रहे अत्याचार पर अपना आक्रोश जताते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बजरंग दल के राकेश लोचन तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शामिल होकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर डाला। इस मौके पर बड़ी संख्या में शामिल मौजूद कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में हो रही गौ तस्करी पर अपना आक्रोश जताते हुए शासन प्रशासन पर सीधा निशाना साधा और साथ ही जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग कर डाली। साथ ही प्रदेश में गौठानों की बदहाली पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए गौठानों की लचर व्यवस्था सुधारने की मांग की। इस संबंध में मीडिया के बीच बजरंग दल के पदाधिकारियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बजरंग दल दुर्ग जिला की जो टीम है हमार, निरंतर गौ माता के सेवा कर रहे थे। जमीन में घुमंतु गौ माता है, रोड में घुमंतु गौ माता है, तेकर जाके ओकर दुख जो पीड़ा है, जो एक्सीडेंट है, जो कोई चोट लगे है, मलहम पट्टी लेके सब चीज कर रहे थे गौ सेवक मना। गौठान में रोड में जो गौ माता जो पड़े है ओला छोड़ के मोहल्ला बस्सी के अंदर के गौला नगर निगम उठा थे और 20-30 किलोमीटर दूर में नगर निगम छोड़ा थे। और गौ जो गौपालक है वो अपन व्यवस्था करके खुद के जीवन ला मुश्किल से जिला थे, मुश्किल से गौ माता ला पाला थे। अब वो गौपालक का ओला जाए ले जाए और ला के ओला अपन घर में रखे, 1000-2000 खर्चा करे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिले के द्वारा हमने माननीय कलेक्टर महोदय के पास अपनी बातों को लेके आए थे, जिसमें अभी वर्तमान में जो सरकार गौठान की बात करती है उस गौठानों में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिस गौठान की वो बात करती है कि जो व्यवस्था बताती है, ना वहाँ पे पानी, ना चारा, ना किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार की पूर्णतः फेल योजना दिख रही है। इन योजनाओं को जानकारी देने के लिए हमने कलेक्टर साहब को संज्ञान में यहाँ पर आवेदन दिया है और सरकार ने अभी वर्तमान में हफ्ता भर पूर्व में एक रायपुर के नवभारत प्रेस पत्रकार उसमें छपता है कि सरकार के द्वारा जितने भी ये सड़कों पे गाय और बैल घूम रहे हैं इनको गिरफ्तार करके गौठान में रख के और इनका पुनः नीलामी की जाएगी। तो ये सरकार की मंशा दिखाती है कि एक तरफ गौठान की बात करती है, दूसरी तरफ गौठान में गायों को ला के और उनकी नीलामी करना। नीलामी में खरीदने वाला ये हम सभी जानते हैं, सीधे सीधे सरकार तस्करों के हाथ में गौ माता को बैलों को देने की बात कर रही है। गौ रक्षा गौ सेवा के मुद्दे को लेकर हम ज्ञापन देने आ जाए हैं। ये सरकार बहुत अच्छा बात रखे है, गरुआ घरुआ और नरुआ। हमारे देखे में ये प्रदेश में नहीं मिला थे कि गरुआ के गुरुआ के या नरुआ के व्यवस्था सरकार करत है। सरकार खाली लिपापोती करके गौठान तो बहुत अगर बना दिए है, लेकिन 80% गौठान की यह स्थिति है कि वहाँ एकोटो गरुआ नहीं है, वो गरुआ पर कुछ चारा नहीं है। ये व्यवस्था नहीं रहे के सेतीर ये आंदोलन लेके आए गए है। सरकार के मनसा जिन बड़े बड़े दिखाते कि हमन गरुआ के व्यवस्था करबो, गौ के व्यवस्था से ही सब कुछ है, ये गोबर खरीदी गोबर बिक्री ये सब चीज़ है, लेकिन ये खाली पेपर में है और प्रशासन के नज़र में है। बाकी धरातल में उतर हूँ तो कोई स्थिति नहीं है। अभी दुर्ग नगर निगम की स्थिति देख लो कि दुर्ग नगर निगम के गौठान के क्या स्थिति है और दुर्ग नगर निगम के जिन कचरा यार्ड है ये छोटे पुलगांव नाला के पास, ओलन की स्थिति जाके देखिया कि गाय माता मन कैसे कचरा खाए पर तस्पर है। कचरा तक अब खाते गाय माता है तो कचरा के संग में पन्नी खाते, वो तुरंत हॉस्पिटल से निकले हुए सिरिंज और सब चीज़ खाते, ओकर से फिर गौ माता तड़प तड़प के मरत है। स्थिति अभी ऐसे हो गए है पूरा जिला के अंदर में 2-3 डॉक्टर है, फोन लगाए में फोन उठाए नहीं। तो ये सारा व्यवस्था है कि हमन आए रहन, हमन चाहत हन कि गौ माता के सम्मान में सरकार जिन बड़े बड़े गौ माता ला धर के गंगा जल ला धर के कसम खाए तो गौ माता पर वो बात ला उठाए और करे आगे किस तरह के रूप है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।